हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री रोहित छात्रे जी जो युवा तुर्क के हमारे मध्य प्रदेश बालिंग महापंचायत के, मैं उनका सम्मान करता हूँ। हमारे दादा झा साहब जो बालिंग महापंचायत के कारवा का अध्यक्ष हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। एवं शिगोते जी हमारे प्रदेश के समस्त आए हुए अध्यक्ष नहार जी, अन्य सभी का नाम लूंगा तो शायद कम पड़ जाएगा हमें, सभी समस्त अध्यक्ष मध्य प्रदेश बालिंग महापंचायत से पधारे हुए सभी युवा एवं कार्यकर्ता सभी का मैं यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही वास्तव में ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे समाज के विधायक साहब यहाँ पधारे हुए हैं। आदरणीय विधायक साहब का मैं मेरे हृदय से सम्मान करता हूँ। एवं वाल्मीकि जो संपूर्ण महापंचायत, वाल्मीकि समाज दिल्ली जो वास्तव में यहाँ पर हृदय स्तर पर बैठे हुए हैं, उन समस्त वाल्मीकि साथियों का, नेताओं का, यहाँ के वाल्मीकि संगठनों का सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं एनडी उटवाल, वाल्मीकि महापंचायत का सचिव, मैं इंजीनियर हूँ, मेरा पेशा इंजीनियर है। इस बात का मुझे बड़ा ही दुख है कि ये मेरी वाणी बहुत पहले होना चाहिए थी, मुझे बाद में ये दिया गया, मुझे दुख की बात है। क्योंकि ये वाणी हमारे समाज में इंजीनियर है, डॉक्टर है, नेता है, सब हैं, नेता नेतागिरी भाषा सब बोल जाते हैं, पर वास्तव में आज तक सुधार नहीं हुआ। बात आती है संगठनों की, तो संगठन तो बहुत बने हैं। हमारा एक संगठन वास्तव में, मैं रोहित छात्री जी का धन्यवाद देता हूँ कि बालवी महापंचायत को जिस तरह से उन्होंने आज जोड़ा है, ये दिल्ली में आज ये इतना सही समूह होना चाहिए था। दिल्ली में एक बाढ़ होना चाहिए थी। आश्चर्य होता है, दिल्ली बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ पर संगठन की बहुत कमी है, ऐसा लगता है। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं तो एक छोटे से क्षेत्र से जा आया हूँ, लेकिन मैं इतना संकेत देना चाहता हूँ कि नदी और नाले मिलकर एक समुद्र बनना चाहिए, और वो आज वास्तव में एक ऐसा मौका आ गया है कि बालवी महापंचायत समुद्र के रूप में इस पूरे भारत देश में काम करेगी। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, रोहित छात्रे जी जहाँ कहीं भी हो, पता नहीं कहाँ चले गए, मैं प्रॉमिस करता हूँ बालवी महापंचायत पूरे देश के अंदर एक समुद्र के रूप में काम करेगी, और यही एक वास्तव में एक मौका है। बहुत कुछ बोला है लोगों ने, वक्ताओं ने, मेरे पास भी बहुत कम समय है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ जो हमारे पास कमियाँ हैं, कमियाँ बहुत हैं। सबसे पहले तो मैं गर्व करता हूँ, मैं वाल्मीकि समाज का बेटा हूँ। वाल्मीकि समाज का बेटा होना गर्व की बात है। हिंदुस्तान में यदि वाल्मीकि कोई है तो असली हिंदू है, असली क्षत्रिय है। और लोग वाल्मीकि समाज के जैसा तो कोई वीर पैदा ही नहीं हुआ है। कोई क्या समझता है कि हम लोग वीर नहीं है। हम किसी से कोई विरोध नहीं करते, किसी देवी देवताओं का, किसी प्रकार के, कोई समाज का, किसी प्रकार का हम कोई विरोध नहीं करते। हम अपने आप में सुधार करना चाहते हैं, और उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है, हमको हमारी पहचान नहीं है, हमारे अंदर हमारी खुद की मूल्यांकन क्षमता कमजोर है। यदि हमारा खुद का वैल्यूएशन अगर हो जाए कि मैं इंजीनियर हूँ तो मैं इंजीनियर कहलाऊंगा, मैं इंजीनियर हूँ और झाड़ू लगाऊंगा तो लोग मुझे छत्ते मारेंगे, मुझे सर मारनी चाहिए, मैं इंजीनियर हूँ झाड़ू लगाऊ, तो ऐसे ही हमारे हर बात, हर भाई को, हमारे हर बहन को इसका मूल्यांकन होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई पॉलिश करता है तो उसको मालूम 10 रुपये में पॉलिश करता है। यदि कोई बाल काटने का धंधा करता है उसको पता है वो 30 रुपये में धंधा करता है। यदि किसी को सब्जी वाले को उसके प्याज बेचना है उसको मालूम 40 रुपये में धंधा करता है। मेरे बालवी भाई को पता नहीं है कि वो 2 रुपये में, 1 रुपये में, एक छोटे से पौवे में टैंक्स साफ करता है। हमारा मूल्यांकन नहीं है हमारे पास। यदि उस टैंक साफ करने वाले के लिए अगर वो ये कह दे कि मैं 50,000 रुपये में करूंगा और नहीं तो नहीं करूंगा, और उसका विकल्प कोई अल्टरनेट ना है, तो 50,000 रुपये ही देना पड़ेंगे तो ही होगा, अन्यथा कोई साफ नहीं कर सकता उस टैंक को। हमारे समाज में बहुत बड़ी कमी है, कहना बहुत चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात, एक तो मूल्यांकन, दूसरा संगठन। पूरे दिल्ली देश, दिल्ली भारत देश की राजधानी है। यहाँ पर अगर सारे संगठन हो जाए, आज वास्तव में भाई साहब कह रहे थे झाड़ू का सिंबल बनाकर यहाँ सरकार बन गई, और इतना भारत देश के अंदर वाल्मीकियों का इतना संगठन है, इतना बड़ा समाज है दिल्ली में, कि मैं तो चाहता हूँ कि अगला मुख्यमंत्री वाल्मीकि समाज का बना हुआ होना चाहिए। भाई साहब से मेरा निवेदन है, आदरणीय विधायक साहब बैठे हुए, मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि यदि कोई मुख्यमंत्री हो आप दिल्ली में, तो वास्तव में हमारे वाल्मीकि समाज से निर्मित होना चाहिए। बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ, क्षमा चाहूँगा। मेरे युवा तुर्क, हमारे रोहित छात्रे जी, आपसे मेरा निवेदन है, हमारे संगठन में यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटियाँ हो रही हो, या संगठन के लोग आपस में हो गई किसी प्रकार से,
अगर विक्षिप्त हो रहे हों, किसी प्रकार का कोई मतभेद हो, तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध है एक साथ मिलकर मध्य प्रदेश को ना डूबने दें। और मध्य प्रदेश जिंदाबाद के नारे लगाना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश जिंदाबाद, वाल्मीकि समाज जिंदाबाद। जय हिंद, जय वाल्मीकि, जय भीम, जय स्वामी।